गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ का चैप्टर नंबर 3 ट्रिप टू भोपाल का पार्ट 3 स्टडी करेंगे। टू द भीमबेटका। आफ्टर द बसेस आर रिफिल्ड, बसेस में डीजल डालने के बाद द जर्नी हैज स्टार्टेड अगेन, फिर से जर्नी स्टार्ट हो गई। नाउ द चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीमबेटका। अभी उनको कहाँ पर रुकना था? भीमबेटका पर उनको रुकना था। अंजन कहता है कि व्हाट इज भीमबेटका, भीमबेटका है क्या? तब ये जो रैना मैडम उनको बताती है, इट इज़ अ प्लेस विथ लॉट ऑफ केव पेंटिंग्स मेड बाय पीपल 10,000 ईयर अगो। उन्होंने बताया कि भीमबेटका क्या है। तो भीमबेटका वन टाइप ऑफ केव्स है, केव्स यानी कि गुफाएं, और उनके अंदर क्या है कि केव पेंटिंग भी है, और जो स्टोन है उन पे, जो रॉक्स होते हैं उन पे उन्होंने क्या है कि ये पेंटिंग किया है, वो उस जगह का नाम है भीमबेटका। ठीक है, गोपी कहते हैं ओ 1000 ईयर इट इज़ अ बिग थिंग, आई कांट इवन थिंक ऑफ 100 ईयर्स। अभी वो सभी बातें करते हैं, गोपी, गौरी, मंजीत, ठीक है, उन सभी का डिस्कशन दिया है, ठीक है, और कुछ कॉमिक करते हैं उनके रिलेटेड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ फोटोग्राफ भी हमको यहाँ पे दिखाया गया है कि जो केव्स है, ठीक है, उन पे कैसे पेंटिंग किया गया है। वाओ, इवन 10,000 ईयर अगो पीपल मेड सच अ लवली पेंटिंग्स दैट टू ऑन अ रॉक, वो भी रॉक पे, ठीक है। ओ दिस रॉक आर 1000 ईयर ऑफ ओल्ड, ये सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं देखने के बाद बातें करते हैं, ठीक है। शंकर कहता है दिस पेंटिंग ऑल्सो हैज़ वेरी बिग बाइसन। बाइसन क्या है कि वन टाइप ऑफ एनिमल है, ठीक है। हे आई गॉट एन आइडिया, आई विल काउंट द बाइसन एंड यू काउंट द डियर इन द पेंटिंग। इस पेंटिंग में कुछ बाइसन दिए, कुछ डियर दिए और कुछ पीपल भी दिए, एंड जो ये बोनोमाला से आई विल काउंट पीपल, लेट अस सी विच आर द मोस्ट बाइसन डियर और पीपल, कौन ज़्यादा है वो भी हम देखते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये पेंटिंग में कितने बाइसन हैं, कितने डियर हैं और कितने पीपल हैं, वो काउंट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये, हाउ मैनी डियर आर देयर देन बाइसन। यहाँ पे देखो, ये बाइसन को कैलकुलेट करता है 34, 35, 36 एंड आई गॉट 37 बाइसन, यानी कि उसको जब काउंट किया तब उसको जो बाइसन कितने हुए, 37 हुए। अभी ये डियर को काउंट करते हैं तो कितना हुआ, तो टोटल 117 क्या है डियर काउंट हुए, 37 क्या हुए बाइसन हुए, 117 क्या हुए डियर हुए, इस पेंटिंग के अंदर की बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी मोर डियर आर देयर देन बाइसन, यानी कि डियर कितने ज़्यादा है बाइसन से, वो पहला क्वेश्चन है। और बोनोमाला काउंट करती थी पीपल को, ठीक है, बट बोनोमाला इज हैप्पीएस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर एंड बाइसन टूगेदर, हर काउंट इज लेस देन 200। यहाँ पे देखो, बोनोमाला ने जो काउंट किया, क्योंकि यहाँ पे क्या तीनों काउंट करते थे, ठीक है, एक डियर को काउंट करता था, एक बाइसन को करता था और एक किसको, पीपल को काउंट करता था। बोनोमाला ने जो काउंट किए वो डियर एंड बाइसन को एडिशन कर के जो भी हमें आंसर मिलता है उससे ज़्यादा है, पर 200 से कम है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो उसने भी दिया है कि हाउ मैनी पीपल मस्ट बाय बोनोमाला हैव काउंटेड, उसने कितने किए हो कि यहाँ पे हमको ऑप्शन दिया है, तो चलो हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, हाउ मैनी मोर डियर आर देयर देन बाइसन, यानी कि हमको पता है कि डियर कितने थे, डियर कितने थे 117 और बाइसन कितने थे 37, ठीक है।
लेकिन नंबर ऑफ डियर इज इक्वल 170, नंबर ऑफ बाइसन इज इक्वल 37। क्वेश्चन क्या है, कितने ज़्यादा है, हाउ मेनी मोर डियर आर देन बाइसन, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि डियर कितने थे 170 माइनस 37 यानी कि 80, 80 डियर ज़्यादा थे कंपेयर टू बाइसन, यानी कि हमको आंसर मिल गया देर आर 80 मोर डियर देन बाइसन, यानी कि इस ब्लैंक में क्या आएगा, इस ब्लैंक में आएगा 80, क्या आएगा 80 आएगा, ठीक है ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी पीपल मस्ट बोनोमाला काउंटेड, ठीक है। सेकंड क्या है, हाउ मेनी पीपल मस्ट बोनोमाला हैव काउंटेड, बोनोमाला ने कितने पीपल काउंट किए होंगे, उसने क्या कहा था कि इन दोनों को मिलाकर जो आंसर आता है उससे ज़्यादा है पर 200 से कम है, यानी कि ये ऑप्शन देख के हमें पता ही चल जाता है कि देखो ये 240 तो 200 से ज़्यादा है, यानी कि ये तो नहीं हो सकता। अभी उन दोनों का एडिशन करके देखते हैं, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ बाइसन एंड नंबर ऑफ डियर टूगेदर इज इक्वल 170 प्लस 37 यानी कि 154 होता है, इनसे ज़्यादा है, उसने कहा है, उसने क्या कहा है यहाँ पे, पीपल इज इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर एंड बाइसन टूगेदर एंड हर काउंट एंड हर काउंट इज लेस देन 200 और 200 से कम है, यानी कि देखो वी नो दैट द नंबर ऑफ पीपल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ डियर एंड बाइसन टूगेदर, यानी कि 154 से ज़्यादा है। ऑल्सो वी आर गिवन दैट द नंबर ऑफ पीपल इज लेस देन 200 और 200 से कम है, दैट मीन्स द बानोमाला मस्ट हैव काउंटेड द 177 पीपल, यानी कि देखो यहाँ पे जो ऑप्शन हमें दिया है 240 नहीं, कि वो तो 200 से ज़्यादा हो गए, वो तो नहीं हो सकता, 154 तो इन दोनों का मिला कर होता है बाइसन और डियर का, पर उससे तो ज़्यादा है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, 134 यानी कि वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो इससे कम हो जाता है, उससे ज़्यादा तो होना ही चाहिए, यानी कि एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, वो क्या है 177, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, ठीक है, उसके आगे देखते हैं, द गाई टेल अस दैम दैट देर आर 600 काव पेंटिंग्स इन ऑल, टोटल नंबर ऑफ पेंटिंग वहाँ पे कितनी थी 600 थी, इट इज़ टाइम टू लीव भीमबेटका, अभी उनको भीमबेटका छोड़कर निकलना पड़ेगा, क्योंकि उनको जाना कहाँ पे, भोपाल, ठीक है, कहाँ पे जाना है, भोपाल पे जाना है। अभी देखो दे हैव स्पेंट 1 आवर देर, वहाँ पे उन्होंने 1 आवर स्पेंड किया, व्हाट इज टाइम इट इज, हमको पता था कि वहाँ पे लास्ट वाले वीडियो में 11 o'clock तो हो ही गए थे, अभी यहाँ पे 1 घंटा हो गया, तो अभी टाइम क्या होगा 12 o'clock हो गए, ठीक है। दे आर नाउ मूविंग टूवर्ड भोपाल, दे शुड बी रीच देर इन लेस देन 1 आवर, वो 1 घंटे के अंदर वहाँ पे पहुँच जाएंगे, एंड यानी कि अराउंड 12:45 या 12:50 अराउंड वहाँ पे वो पहुँच जाएंगे, ठीक है, और उसको अबाउट 1 o'clock तो वहाँ पे पहुँच ही जाएंगे, ठीक है, 1 o'clock यानी कि अबाउट 1 o'clock वो वहाँ पे, क्योंकि उसकी अबाउट यानी कि उसकी नियरेस्ट हमें लिखना होता है, ठीक है, यानी कि इसलिए यहाँ पे क्या लिखना है 1 o'clock लिखना है। अभी देखते हैं आगे, उसके आगे लंच टाइम हो गया है, ठीक है, लंच टाइम, द चिल्ड्रन आर हंग्री बाय दिस टाइम सो दे टेक आउट द लंच पैक्स, बिस्किट ऑरेंजेस एंड बनानास आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द बसेस, सभी बसेस में बिस्किट बनानास, ठीक है, एंड ऑरेंजेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ईच चाइल्ड इज गिवन टू बी 1 ऑरेंज 1 बनाना एंड 5 बिस्किट, यहाँ पे हमें याद रखना है कि 1 ऑरेंज सभी चिल्ड्रन को, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे 210, ठीक है, कितने थे 210, सभी को 1 ऑरेंज 1 बनाना एंड 5 बिस्किट दिया जाएगा, ठीक है, बट क्या होता है इसमें, ऑल द चिल्ड्रन टेक ऑरेंजेस एंड बिस्किट, सभी ने ऑरेंजेस एंड बिस्किट तो ले लिया, बट 38 चिल्ड्रन डू नॉट टेक बनाना, बट 38 चिल्ड्रन ऐसे थे जिन्होंने बनाना नहीं लिया, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी को नहीं अच्छा लगता हो बनाना, तो उन्होंने 38 चिल्ड्रन ने बनाना नहीं लिया, तो अभी क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑरेंजेस बिस्कुट एंड बनानास आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए, वो अभी हमारा क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 210 थे, ठीक है, तो अभी देखते हैं हम, देखो
हाउ मैनी ऑरेंजेस बिस्कुट एंड बनानास आर टू बी आर डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गोइंग ऑन द ट्रिप वो कितने थे, 210 थे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस, सभी को ऑरेंजेस कितने देने, सभी एक एक ही देनी, यानी कि 210 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि ऑरेंजेस भी नंबर ऑफ स्टूडेंट के जितनी होगी, यानी कि 210 क्या चाहिए होगी ऑरेंजेस, यानी कि सबको एक 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 मिल जाएगी। फिर क्या कि नंबर ऑफ बिस्किट, बिस्किट कितने देने हैं, सबको 5 5 देने, यानी कि 210 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बिस्किट कितने देने हो गए, 1050 बिस्कुट्स देने पड़ेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा क्योंकि एक एक चिल्ड्रन को 5 तो 210 को कितने, तो इतने बिस्किट हमें देने पड़ेंगे। थर्ड में है कि नंबर ऑफ बनाना डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे हमको पता है 38 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बनाना नहीं लिया, तो बनाना कितने डिस्ट्रीब्यूटिव हो गए, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 210 में से 38 स्टूडेंट ने तो नहीं लिए, यानी कि बचे कितने, 172, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे 210 में से 38 को, हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि 172 स्टूडेंट ने बनाना लिए, अभी सभी को देने कितने, 111, यानी कि 172 बनानास डिस्ट्रीब्यूट हुए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अभी आगे देखते हैं उसके, मंजीत एंड भानु क्विकली फिनिश देयर लंच एंड स्टार्ट आस्किंग पजल्स टू पास द टाइम। अभी टाइम उन्होंने क्या किया कि फटाफट अपना लंच क्लियर कर दिया और अभी पजल्स खेलने लगे, ठीक है। मंजीत टोल्ड दैट टेल मी द नंबर विच इज एग्जैक्टली बिटवीन 100 एंड 150, 100 एंड 150 के एग्जैक्टली बीच में कौन आता है, ठीक है, तो भानु ने कहा 120 नो 130, हमको पता है एग्जैक्टली बीच में आता है 125, क्योंकि दोनों के एग्जैक्टली बीच में 100 एंड 150 के बीच में क्या आता है, 125 आता है, ठीक है। मंजीत ने कहा राइट ओके यू कैन आस्क नाउ। अभी वो सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक दूसरे को क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, वो 5 टाइप्स ऑफ पजल्स है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का काम है आपका ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको पढ़ाई है वो अच्छे से आपको नोटबुक में लिखनी है और उसके बाद में मुझे उसका पिक सेंड करना है, यानी कि ग्रुप में आपको उसका पिक सेंड करना पड़ेगा और बिना भूले करना है, ठीक है। अभी इसके आगे हम पजल्स देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। हैव अ गुड डे।